हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर कंपनी क्या कारोबार करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर जो है हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी जो बिजनेस ओवरव्यू है, कौन से ब्रांड से यहाँ पर जो है कंपनी का कारोबार जो है यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी के यहाँ पर करंटली कैश फ्लोज जो है किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट, वो वैल्यूएशन के हिसाब से भी यहाँ पर जो है इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर हमें जो है क्या ट्रेंड जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी के नतीजे जो है वो किस तरह के आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन किस तरह यहाँ पर जो है जनरेट होते हुए देखने मिल रही है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ TCNS क्लोथिंग कंपनी यहाँ पर जो है इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर क्लोथिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी एथनिक एज वेल एज वुमन रिलेटेड जो भी वेयर्स होते हैं उसके अंदर जो है मेन कंपनी यहाँ पर कारोबार करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू यहाँ पर जो है वुमेन रिलेटेड, फुटवेयर से लेकर कॉस्मेटिक्स, बॉटम वेयर, टॉप वेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, यहाँ पर जो कुर्तीज होती है मोस्टली उसके अंदर जो है ये कंपनी कारोबार करती है। वो भी मेनली जो है यहाँ पर फोकस है कंपनी का ऑनलाइन बेसिस पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जो कंपनी का जो नाम है जो सेगमेंट में यहाँ पर TCNS कंपनी अपना जो है कारोबार करती है वो है wforwomen.com। आप यहाँ पर जो है साइट पर विजिट कर सकते हो, उससे भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जो है आइडिया लग जाएगी कंपनी का यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है वो किस तरह की कैटेगरी के जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा फोकस करता है। करंटली यहाँ पर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 2,966 करोड़ के एक अच्छे खासे महंगे डेफिनेटली वैल्यूएशन पर शेयर जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री का P27 का देखने को मिल रहा है बट स्टॉक का P यहाँ पर 622 का देखने को मिल रहा है। उसको इग्नोर कर भी लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी जो रिटर्न रेशियोज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2.78% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज इज -1.33%। और डेट की बात करो तो 485 करोड़ का यहाँ पर एक बड़ा जो है डेट का जो नंबर है वो भी देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू निकल कर आती है स्टॉक की 103 रुपये की और करेंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 481 पर। हाई प्राइस 889 का और लो प्राइस 431 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम उस सेगमेंटेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास भी यहाँ पर हमें जो है जाते हुए देखने को मिला था। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम यहाँ पर इस कंपनी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2019-20 के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि एक अच्छा सा जो है यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है ग्रोथ में देखने मिल रही है, जो कि यहाँ पर जो 2021 और 22 के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपनी टॉप लाइन है उसके अंदर ग्रोथ जो है देखने को मिली है। 930 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है कंपनी ने घाटा किया है। अब हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से फोकस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कंपनी किस तरह के नतीजे जो है आ रहे हैं और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की मेनली जो है बॉटम लाइन के ऊपर अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मार्च 2022 की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने 5.81 करोड़ का जो है यहाँ पर घाटा पहले से देखने को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर जून क्वार्टर के अंदर 2.44 करोड़ का मुनाफा किया है, सितंबर के अंदर 7.64 और यहाँ पर दिसंबर के अंदर 0.5 माने कि 50 लाख का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। तो इन तीन क्वार्टर को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है 11 करोड़ के आसपास का जो है धंधा किया हुआ है और 6 करोड़ का जो है यहाँ पर लगभग मोटा मोटी जो है यहाँ पर हमें नुकसान होते हुए देखने को मिला है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर जो बॉटम लाइन निकल कर आती है वो है सिर्फ 5 करोड़ का मुनाफा ही यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। सो ये जो चीज़ है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कर सकता है जब यहाँ पर जो है जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे शेयर यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर हमें जो है डिजिटलाइजेशन वे में जो है देखने को मिल रहा है, बट फिर भी यहाँ पर आने वाले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर अगर डेफिनेटली मार्केट अगर कंपनी बॉटम लाइन के देखकर अगर यहाँ पर रिएक्ट करता है तो मेरे सबसे काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनफॉल यहाँ पर हमें शेयर के अंदर भी तब वो सिचुएशन में जो है देखने को मिल सकता है।
प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर जो है डेफिनेटली हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पर हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। सेप्टेम्बर के अंदर 32.25 और यहाँ पर डिसंबर के अंदर 32.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIA का जो निवेश है वो यहाँ पर निकल कर रहा था 16.84 का और DIA का 4.5 से रिड्यूस होकर हो चुका है यहाँ पर 4.5। सो DIA की होल्डिंग भी रिड्यूस हो रही है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक के अंदर यहाँ पर जो 46% का निवेश जो है देखने को मिल रहा है, उसके अंदर से भी मेन जो यहाँ पर जो होल्डिंग है वो यहाँ पर चार बड़े कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास पड़ी है, जिनके पास एक के पास 29.2, उसके बाद 5.84, उसके बाद 2.46 और यहाँ पर 1.22% का निवेश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रिटेलर्स के पास एट द एंड यहाँ पर सिर्फ 7.5% का ही जो निवेश है वो यहाँ पर मार्केट में एक तरह से देखें तो 10% के आसपास ही फ्लो होते हुए जो है देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर मैं यहाँ पर कैश फ्लो की बात करूँ तो कैश फ्लो यहाँ पर मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का कारोबार यहाँ पर ऑनलाइन का सेगमेंट ऑनलाइन जो है देखने को मिल रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पर जो कंपनी के ऑपरेशंस के थ्रू जो बिजनेस जो कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल नज़र आ रहा है। 104 करोड़ का यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पर हमें नेट में जो है आंकड़ा देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी जो है अच्छे से अगर यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर हमें 2 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। डेट कंप्राइज फिक्स एसेट्स जो यहाँ पर कंपनी ने 32 करोड़ के जो है यहाँ पर कंपनी ने डेट इज जो है परचेज किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया 127 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी ने सोल्ड किया 158 करोड़ के। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर 109 करोड़ का जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसके अंदर यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ थी वो यहाँ पर कंपनी ने कम की है, वो भी 106 करोड़ की। 5 साल का आई प्राइस 932 यहाँ पर करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 481 पर। काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट इस शेयर में देखने को मिल चुकी है। सो यहाँ पर क्वेश्चन यही अराइज होता है कि निवेश किया जाए या फिर नहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो मेरे आपसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी बहुत जो है हमारा अपसाइड का जो मोमेंटम है वो हम यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एज ऑन द टाइम फिर यहाँ पर कंपनी जब तक जो है बॉटम लाइन अच्छी तरीके से जनरेट नहीं होती तब तक यहाँ पर जो इंडिमेशन है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत देना मुश्किल हो सकता है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको TCNS क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी जो सेल्स यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।